नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा दसवीं हिंदी लोक भारती इसकी दूसरी इकाई से पहली कविता बरस ही जलद यह लेकर आई हूँ। इसकी व्याख्या वाला जो वीडियो है वो मैं पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसे मेरे चैनल डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया इस पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिंक जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। आज हम बरसे जलद इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं, तो आइए इसके स्वाध्याय को हम शुरू करते हैं। बरसे जलद इस कविता का स्वाध्याय जो है पेज नंबर 53 अर्थात 53 पर दिया हुआ है। आइए हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न हमें यहाँ दिया हुआ है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहली कृति है कि कृति को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ हमें प्रश्न दिया है कि पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। पद्यांश यानी क्या? तो कविता। कविता में कौन से प्राकृतिक यानी नेचुरल वाटर रिसोर्सेज बताए गए हमें? तो उसमें पहला है नदी और दूसरा है समुद्र। ठीक है, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। दूसरा प्रश्न इस तरीके से है कि निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। अब निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ यानी पहला हमें दिया हुआ है संतों की सहनशीलता। संतों की सहनशीलता इसको जो है बताने वाली ऐसे अर्थ को प्रकट करने वाली कौन सी पंक्तियाँ हैं हमारे इस कविता में? तो वहाँ लिखा है खल के वचन संत सह जैसे, है ना, जैसे दुष्टों के वचन को संत सह लेते हैं, है ना, उनकी सहनशीलता इतनी होती है कि वे दुष्टों के वचन को भी आसानी से सह लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कपूत के कारण कुल की हानि। कपूत यानी एक होता है सपूत और दूसरे होते हैं कुपूत कपूत। कपूत यानी जो कुल का वंश का नाश कर दे, नाम जो है मिट्टी में मिला दे ऐसे। तो जिमी कपूत के उपजे कुल सदर्म नसाही। ठीक है, ये इसके उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका पूर्ण कीजिए में हमें दिया हुआ है इन्हें और यहाँ दिया है यह कहा गया है। तो किन्हें क्या कहा गया है? हमें पहला दिया है बटू समुदाय। बटू समुदाय को इस कविता में जो है दादूर कहा गया है। और दूसरा प्रश्न है सज्जनों के सद्गुण, इसके लिए हमें क्या शब्द दिया गया है? तो तालाब में जल भरना, जो सज्जन के गुणों के समान होता है ना, तालाब में जल भरना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वह है जोड़ियाँ मिलाइए। अब जोड़ियाँ मिलाइए के अंतर्गत हमें दिया हुआ है असमूह और ब समूह। लेकिन अब आप इसके एक ये देखिए कि इसके अंदर कुछ भी चेंजेस है ही नहीं, जैसे उसके सामने वाला ही आंसर उसे का हो जाता है। जैसे असमूह, अब उत्तर हमें इसमें आगे पीछे होना चाहिए थे, लेकिन वैसा कुछ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है। तो दमकती बिजली, दमकती बिजली किसके समान है? दुष्ट की मित्रता के समान है, क्योंकि वह समय पड़ने पर क्या करता है, साथ छोड़ देता है जैसे और नष्ट कर देता है किसी चीज़ को, है ना, दमकती बिजली के समान। दूसरा है नव पल्लव से भरा वृक्ष, नए पत्तियों से भरा हुआ जो वृक्ष है वो किसके समान दिखाई देता है? साधक के मन का विवेक उसके समान वो दिखाई देता है। उपकारी की संपत्ति कैसी होती है? उपकारी की संपत्ति ससी संपन्न पृथ्वी, है ना, यहाँ पे ये बिंदी है ना, ससी संपन्न पृथ्वी। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे भूमि पर गिरा पानी, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में यहाँ छपा हुआ नहीं है, इसको आप लिख लीजिए इस तरीके से भूमि पर गिरा पानी। भूमि पर गिरा पानी किसके समान होता है? माया से लिपटे हुए जीव के समान दिखाई देता है। और क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द कौन से हैं? तो बादल, बादल के लिए इस पद्यांश अर्थात इस कविता में घन और जलद दोनों चीज़ों का, दोनों शब्दों का जो है यूज इसमें किया गया है। ग्रह, ग्रह के लिए पतंग और सूर्य इस चीज का, इस शब्द का उपयोग किया गया है। उपग्रह के लिए मही या धरती, धरती भी एक उपग्रह है ना, उसे मही कहा गया है। उसके बाद में पेड़, पेड़ के लिए इसमें बिटप शब्द का यूज किया गया है। पौधा, पौधा के लिए अर्क या जवास इस शब्द का यूज किया गया है। पत्ते, पत्ते के लिए इस कविता के अंदर
पात शब्द का यूज किया गया है। आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस तरीके से है कि प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं चार पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो इसे आप मेरे उस वीडियो में जाके देख सकते हैं जो एक्सप्लेनेशन वाला है, और उसमें से आप कोई भी चार पंक्तियां जो है अपने पसंद की अर्थ सहित इसमें लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपायोजित लेखन के अंतर्गत कहानी लेखन। अब ये सब कैसे ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन हम लेसन के साथ साथ में इसको कंप्लीट करते चले जाते हैं तो हमें पता भी नहीं पड़ता है कि ग्रामर हमारा कब कंप्लीट होता जा रहा है। बहुत एक हमारा जो है 75% ग्रामर जो होता है वो लेसन के जो स्वाध्याय रहते हैं उसी के थ्रू जो है कंप्लीट हो जाता है। बाद में एक फॉर्मेलिटी रहती है कि हमें टॉपिक वाइज ग्रामर को पढ़ना है ना, तो वो भी हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कहानी लेखन। अब कहानी लेखन में हमको टॉपिक दिया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी का लेखन कीजिए। अब कहानी लेखन कैसे होना चाहिए, कहानी के अंदर कोई ना कोई आपको एक कहानी बनाना है, उसमें पात्र होना चाहिए यानी कि कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके आधार पर फिर हम कहानी को बनाते हैं। कैरेक्टर तो कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी कहानी इसके अंदर बनाना है। जब हमें लिखा है बताया है कि कहानी लेखन करना है तो फिर कहानी लेखन जो है कहानी के समान ही होना चाहिए। अब इसका में सबसे पहले तो अर्थ समझ में आना चाहिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब आइए हम इसकी कहानी को कैसे लिखते हैं। ये जो हमें टॉपिक दिया हुआ है इसका अर्थ होता है परहित सरस धर्म नहीं भाई का अर्थ है दूसरों की भलाई करने से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है। अगर हमें इस धर्म को समझना है यानी परहित के धर्म को समझना है और इसे अपने जीवन में उतारना है, यानी हमें अपने जीवन में इस हमें अपने आचरण में अगर इसको लेकर आना है तो हमें सूरज और चांद से, पेड़ पौधों से और सभी प्राकृतिक घटकों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं वे हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ देती हैं, उसके बदले में वे कभी कुछ नहीं चाहती। तो परहित सरस यानी परहित के समान, दूसरों की भलाई करने के समान कोई और धर्म हो ही नहीं सकता है। जैसे चांद है, सूरज है, पेड़ पौधे हैं, ये सब हमको सिर्फ देते ही देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि दूसरों यहाँ पे जैसे लिखा है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कार्य करते हैं, सूर्य हमें रोशनी देता है, चांद हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है, पेड़ पौधे हमें अन्न फल फूल ये सब देते हैं। उसके अलावा अगर हम इसमें देखें कि प्राकृतिक घटकों में और भी, जैसे नदियाँ हैं वो हमें पानी देती है, समुद्र हमें रत्न देता है ना, यानी बिना किसी चाह के बदले में और कुछ भी नहीं चाहते, ये सिर्फ दूसरों की भलाई करना ही जानते हैं, है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये एक मैंने रूपरेखा बनाई है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जब भी मैं सूरज चांद और पेड़ पौधों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि सूरज बिना किसी स्वार्थ के सबके जीवन को समान रूप से रोशनी से भर देता है ना, हमें राह दिखाता है। चांद रात के घोर अंधेरे में हमारा मार्गदर्शन करता है, यानी जब चारों तरफ घोर अंधकार छा जाता है तो चांद का प्रकाश जो होता है वह हमारा मार्गदर्शन करता है। पेड़ पौधे हमें फल और अनाज देते हैं। इन सबसे प्रेरित होकर मेरे चाचा ने भी दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने का एक बीड़ा उठाया, यानी कि हमने यहाँ पर जो है ये रूपरेखा तैयार कर ली और इसके अंदर लिखा कि जब मेरे चाचा ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा कि देखिए ये सारी चीज़ें जो है हमें सब कुछ देती है, बदले में कभी कुछ नहीं मांगती, तो ये हमारा कितने दूसरों की भलाई का कार्य करती है, तो इसलिए जो है चाचा ने भी दूसरों की भलाई करने का के लिए कार्य करने का एक बीड़ा उठाया। अब क्या हुआ, एक दिन चाचा जी गाँव से शहर जा रहे थे, मतलब किसी काम से शहर जा रहे थे, तभी उन्होंने बस स्टैंड पर एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा। पूछने पर उस बच्चे ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब यहाँ पे छोटे बच्चे मैंने लिखा, आप 12 साल 13 साल जो भी कुछ आप लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं ना। उसने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ थी, उसका भी पिछले सप्ताह निधन हो गया था। उसकी यह दशा देखकर चाचा जी को बड़ी दया आई। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, मैं तुम्हें अपने परिवार के सदस्य के समान रखूंगा और तुम्हें भी हमें
अपना परिवार ही समझना होगा। यानी चाचा जी ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहो तो चल सकते हो, जैसे मैं तुम्हें अपने परिवार के सदस्य के समान ही रखूंगा, लेकिन शर्त ये भी है कि तुम्हें भी हमें हम सबको यानी मेरे परिवार के लोगों को अपना परिवार ही समझना होगा। लड़का तैयार हो गया और चाचा जी उसे घर ले आए, वह अच्छे से उनके साथ रहने लगा। चाचा जी ने उसकी पढ़ाई पूरी करवाई, उसे अच्छी नौकरी लग गई। अब वो लड़का समय के साथ में बड़ा होता चला गया, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, अब उसे खूब अच्छी नौकरी लग गई है। वह लड़का कभी भी चाचा जी द्वारा उसके ऊपर किए गए उपकार को नहीं भूला, है ना। ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो उपकार को नहीं भूला। और उसने अपने मन में ठान लिया, क्या ठान लिया, कि वह भी अनाथ और लावारिस बच्चों के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही करेगा, क्योंकि देखो अच्छी संगति में रहने से अच्छा ही असर होता है उसका। तो उसने भी सोचा कि मैं कुछ न कुछ अवश्य ही करूँगा। उसने चाचा जी के साथ मिलकर गांव में ही चाचा जी के नाम से एक अनाथालय की स्थापना की। अब देखिए चाचा जी ने अच्छे कार्य किए, उसका फल उन्हें मिला ना, उनके नाम का जो है, इस लड़के ने अनाथालय खोल दिया। और उसकी उसने उस अनाथालय की जानकारी समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दी, क्योंकि लोगों को पता भी तो पड़े कि इस तरह का कोई अनाथालय यहाँ पर बना हुआ है जहाँ अनाथ लोगों को, लावारिस लोगों को रखा जा सकता है, उनकी व्यवस्था हो सकती है। आज उनके अनाथालय में 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर आवश्यकता को यहाँ पूरा किया जाता है, और सभी बच्चों को एक सुंदर भविष्य दिया जाता है ना, उनका भविष्य जो है वो सुधारा जाता है। अभी तक 30 से 35 बच्चे इस अनाथालय में रहकर पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां पा चुके हैं या प्राप्त कर चुके हैं, अपने जीवन को संवार चुके हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बन चुके हैं, और भी आप इसमें कुछ लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। कुछ बच्चों ने अपने स्वयं के व्यवसाय भी शुरू किए हैं जिसमें वे धीरे धीरे सफल होते जा रहे हैं। इस प्रकार से चाचा जी के कारण वह लड़का और सभी अन्य बच्चे समझ पाए कि दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य से बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं हो सकता, अर्थात परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कहानी किस तरीके से लिखना चाहिए। कहानी का एक जो साचा होता है बिल्कुल रटा रटाया वगैरह, उस तरीके से हट के हमको थोड़ा विचारों को हमको दूसरी दिशा में लेकर जाना है, और वही सब न लिखते हुए कहानी को इस तरीके से लिखना है कि उसमें से हमें मतलब कहानी भी बन जाए, कुछ अच्छी सीख भी हम दे पाएँ, और उसमें से जो है विचार भी दूसरों के विचारों से थोड़े से हमारे अलग बन जाए। और कहानी एक कहानी के माध्यम से नहीं हो, माध्यम जैसी ना हो कि एक लड़का था गाँव में रहता था, ऐसा किया वैसा किया, ये सब करके जो बरसों से जो कहानियाँ चली आ रही उसको थोड़ा सा हम मोड़ देकर एक नए तरीके से इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब ये जो लेसन है बरसही जलद ये खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप पढ़कर क्या करते हैं आगे निकल जाते हैं, तो आगे मत निकल जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि व्यूज तो बहुत आ जाते हैं लेकिन फिर लाइक्स नहीं मिल पाते हैं, तो आपके लाइक और जो आपके सब्सक्रिप्शन होते हैं वही तो मुझे नई ऊर्जा से भर देते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो ध्यान रखिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए मिल बांट कर पढ़िए, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाती जा रही हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, COVID-19 से बचे हुए रहिए, स्वयं को सुरक्षित रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।